चलो जी मम्मी मम्मी सूसू आ रही है मैंने तुम्हें कहा था ना घर से करके चलने को अब लग गई मम्मी तो अब क्या करूँ मैं बहुत जोर की लगी मम्मी यही कहीं जगह देख लो जाओ वहां करो जल्दी ये बिनिया कुछ पर मम्मी देखो अंकल डांट रहे मम्मी आपका कौन चाहिए जी भाई सब पर बात क्या है देखो कैसा है ये यहाँ थोड़ा पेशाब करने जगह है चारों तरफ से लोग आते हैं तो भाई साहब पर वो बच्चा है उसको लगी थी एकदम से तो क्या करते अपने देश को अपने घर को कैसे गंदा कर सकते हो सब यहाँ हर आने जाने वाला इंसान करता है आप किस किस को रोक लेंगे हर आने जाने वाले करते हैं तो क्या हुआ खुद सुधरो बूंद बूंद से ही सागर बनता है अंकल भाई सागर बना रहा था मैं ये आपकी थोड़ी एक तरफ है मोदी जी जो स्वच्छता अभियान के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और एक तरफ है ये जिनसे एक शौचालय नहीं ढूंढा जा रहा हद है हम भारतवासी हैं ये हमारा देश है इस देश को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य बनता है और इसी से हम आगे बढ़ेंगे याद रखना ये बात सबको याद रखना जमीन पर तो तब भी ठीक है लेकिन हम लोगों ने पानी जैसे नदियां और तालाबों को भी नहीं छोड़ा और यहाँ रहने वाले अनेक जीवों ने हमारे कारण अपनी जान खोई प्लास्टिक और पॉलिथीन के कूड़े से न जाने हर रोज कितने लावारिस जानवरों की जान चली जाती है लावारिस जानवरों की परवाह ना तो हम लोग करते हैं और ना ही प्रशासन चाहे उनका गोबर हो या उनके लावारिस शब्द दिनों दिन ऐसे ही पड़े रहते हैं जब तक गुलाम थे तब तक आज़ादी केवल एक सपना था लेकिन क्या हम सचमुच आज़ादी का मतलब समझ पाए हैं जगह जगह बीड़ी सिगरेट के टुकड़े जगह जगह पान और गुटखे के लाल निशान क्या यही सब आज़ादी का चिन्ह है लेकिन अब सोचने का समय है हमें यह समझना होगा कि हमें अपनी आसपास की जगहों इमारतों एवं स्थलों को साफ सुथरा रखना होगा लेकिन हमें अपने मन की सफाई को भी प्राथमिकता देनी होगी तभी आज़ादी सचमुच में आज़ादी होगी प्रशासन और नागरिक जब तक एक साथ हाथ जोड़कर इस देश को साफ करने का प्रण ना लें तब तक ये देश साफ नहीं होगा वादा कर लिया हमने थैंक यू